आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाजार के पंडित पे। और आज आगे हम लोग बात करने यस बैंक की। और यस बैंक पे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि आज लेवल्स की बात होगी और आज कैसे पलटी है बाजी इसके बारे में पूरी चर्चा होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, दो इम्पोर्टेंट न्यूज देनी है आपको। इसके अलावा इंट्राडे की कॉस्ट देते हैं, तो आज दी थी आइडिया वोडाफोन की 7.20 रुपीज का, क्या टारगेट दिया था, एग्जिट प्राइस दिया था 6 रुपए। तो देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा आइडिया वोडाफोन ने आज 8.15 रुपए का क्या बनाया, हाई बनाया, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा हमारी सेकेंड कॉल थी आपकी, देख रहे कि दिख रहा होगा आपका, हमारी सेकेंड कॉल थी आपकी पिरामिड एंटरप्राइजेस की, 1780 का टारगेट था और आपको देखने को मिल रहा होगा 1780 में आपका जो टारगेट अचीव हुआ है वो देखिएगा 1822 का इसने क्या बनाया था, हाई बनाया था। तो इस तरीके की इंट्राडे की कॉल्स हम लोग देते रहते हैं, तो आप लोग इंट्राडे की कॉल्स के लिए हम लोग से बने रहिए। वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जीरोधा के साथ आप अकाउंट खुलाइए और हम लोग जो फ्री में इंट्राडे कॉल प्रोवाइड करते हैं उसको आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा जिन भी सब्सक्राइबर्स ने हमारे जो भी क्या कर रहा है पेड सर्विसेज मांग रहे हैं या फिर जो ईमेल्स हमें कर रहे हैं बैक टू बैक, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं हम लोगों को, तो उन्हें जल्दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें, उनको जल्द से हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट क्या करेंगे, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। तो बात शुरू करते हैं आज यस बैंक की। तो यस बैंक में हम लोग जो पर्टिकुलर बात करने जा रहे हैं वो आज बात ये करने जा रहे हैं कि यस बैंक ने देखा होगा, आपने जो एनालाइज करा होगा, तो आज 62 के पास इसने अपनी दस्तक दी थी, यानी 62.10 के पास आपके दस्तक दी थी। आप मेरे प्रीवियस सारे वीडियो देख लीजिएगा, हम लोगों ने 62 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बताया आपको कई बार, 62-63 आपको कई बार लेवल्स बताए गए हैं। लेकिन क्या हुआ कि ओपन होने के बाद स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया और स्टॉक ने जब मोमेंटम दिखाया तो स्टॉक ने क्या 62 से सीधा बाउंस बैक किया, 64 पे गया, फिर स्टॉक काफी देर तक 63 पे लाए करा, फिर 65.85 पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 65.90 पे यानी कि बंद हुआ है। तो अब बात क्या थी, आपको कल हम लोगों ने सबसे तेजी से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको पता होगा तो हम लोगों ने बता दिया था कि प्रमोटर जो है राणा कपूर ने पूरी तरीके से टोटल एग्जिट कर ली है, केवल 900 शेयर हैं अब इनके पास, यानी कितने शेयर हैं, केवल 900 शेयर हैं। तो वो पैनिकनेस आपको सुबह ओपन प्राइस में देखने को मिली थी, लेकिन हम लोगों ने कहा था लेवल्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा अगर आप टारगेट की बात करेंगे तो देखिएगा, आप देखिएगा आज व्यापार मतलब कितना ट्रेड हुआ है, तो 22 करोड़ समथिंग 23 करोड़ के लगभग क्या हुए हैं ट्रेडिंग की गई है शेयर्स की, और केवल 10% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो अब आपको इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताने जा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता है ये न्यूज ड्रिवन स्टॉक है और आपको राकेश झुंझुनवाला ने भी काफी बड़ी क्वांटिटी उठाई है, तो कुछ सोच समझ के उठाई होगी। दूसरी चीज आपको कंसर्न वाली है कि इनको काफी फंडिंग मिलने वाली है, चाहे आप कहीं से भी कहें, चाहे मैंने कई सारे बैक टू बैक वीडियो बनाए, कई सारे म्यूचुअल फंड इनको फंडिंग देना चाहते हैं। इसके अलावा एक यूएस की फैमिली है, $1.2 बिलियन इसको क्या करना चाहिए, फंड करना चाहती है, तो ये सारी चीजें तो कंसर्न में है ही है। तो आपको यह याद रखना है कि इन लेवल्स को अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे 62 का, और जैसे ही अगर ये मान लीजिए डाउन लोअर सर्किट दिखाता है तो आपको करना क्या है, पहले तो एग्जिट करना है, फिर जैसे ही लोअर सर्किट दिखाता है तो आप उसमें एंट्री फिर से लीजिए, क्योंकि स्टॉक तो ऊपर जाएगा, बट ये होगा कि न्यूज के कारण पैनिकनेस आएगी तो स्टॉक में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, तो उन फ्लक्चुएशंस को आपको फायदा उठाना है। तो इन लेवल्स को याद रखिएगा और आने वाले समय में अगर कोई भी खराब न्यूज नहीं आती है अभी बीच में, तो ये जल्दी आपको 70 पर फिर से टारगेट इसको मिलेगा आपको, लेकिन 62 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, पूरी वीडियो की बात करनी थी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।